आप सभी यहाँ ज्ञान सरोवर में बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर ही रहे होंगे सबके चमकते हुए चेहरे बोल रहे हैं ठीक है अच्छा लग रहा है खूब मुझे आप सभी को देखकर कुछ अंदर से फीलिंग्स हो रही हैं प्रेरणाएं आ रही हैं पहले मैं वो आपके सामने रखूंगा जब से आप आए हैं परसों से मैं देख रहा हूं तो यहाँ के वाइब्रेशंस में विशेष खुशी रौनक जैसी हो गई है वैसे तो यहाँ के वाइब्रेशंस जैसा कि हम सारे संसार के लोगों से सुनते हैं क्योंकि हमारे यहाँ यहाँ विशेष 140 देशों के लोग आते हैं वो हमें बताते हैं कि जैसे स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस यहाँ हैं संसार में अन्य कहीं नहीं हैं लेकिन जब से आप आए तो मुझे विशेष कुछ ज्यादा ही गुड फीलिंग हो रही थी मैं आप सभी को केवल डॉक्टर्स के रूप में नहीं देखता वो तो आप हैं ही सृष्टि की महान आत्माएं हमारे इस कैंपस में आई हैं मुझे ऐसी गुड फीलिंग हो रही है आप सभी नो no डाउट महान हैं आपको ये स्वीकार करना है आज हम भगवान की संतान हैं मैं इस बात पर आपको लेकर चलूंगा और सब माइंड को हम और पावरफुल कैसे बनाएं? उसकी शक्तियों को हम कैसे यूज करें जैसे मैंने कराया है लोगों से और किया है अपने लिए भी जैसा भाई साहब ने बताया ये पावर ऑफ थॉट का टॉपिक हमें मिला हुआ था बहुत समय से इस पर हमें रिसर्च करानी थी तो इस पर बड़े सुंदर सुंदर एक्सपीरियंस आ गए हैं मैं वो आपके सामने रखता हूं और आप अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में उनको यदि जोड़ लेंगे तो आपको डबल बेनिफिट होगा पेशेंट्स को बहुत फायदा होगा सभी महान हैं आर यू एग्री टू इट महान क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं एक बात आज मैं आपको कह रहा हूं हम सभी महान हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जिससे आज का टॉपिक जुड़ा है हम भगवान के बच्चे हैं एंड ही इज ऑल माइटी तो हम क्या हुए टाइगर का बच्चा टाइगर होता है ना या कुत्तों से डर जाएगा बताओ टाइगर का छोटा सा बच्चा एक मास का कुत्तों से नहीं डरेगा जो शक्ति उसके मां बाप में है वो उसमें आ जाती है हम ऑल माइटी की संतान हैं देर फोर वी आर मोस्ट पावरफुल सोल्स इन दर्ल्ड आपको ये अच्छी तरह आज रियलाइज करना है अपनी शक्तियों को रिकॉग्नाइज करना है उसकी अवेयरनेस को बढ़ाना है वी आर नॉट वीक वी आर वेरी पावरफुल इसके लिए एक शब्द जो मैं बोल रहा हूँ वो आप ध्यान से सुन लेंगे सिंपल है और उसके आधार पर हम सब कॉन्शियस माइंड को यूज करने जो प्रयोग है उस पर चर्चा करेंगे तो ही इज ऑल एंड आई एम मास्टर ऑल मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं बहुत ही सुंदर थॉट है आप सब भी जानते हैं सुनते आए होंगे हमने बचपन से सुना थोड़ी आयु बड़ी हुई तो सुनने लगे कि मनुष्य के मन में बहुत शक्तियां हैं वो सोई रहती हैं उन्हें जगाओ पर किसी ने ये नहीं बताया कि जगाओ कैसे शक्तियां कोई मनुष्य तो नहीं है जिसको डुला के जगा दें क्यों वो सोई हैं ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम इसके आंसर को जानते हैं हमें जगाना है उनको जितना हम सवेरे उठते ही याद करेंगे मैं ऑल माइटी की संतान मास्टर ऑल माइटी हूं हमारे मन की सोई हुई शक्तियां जगने लगेंगी सिंपल तरीका है जैसे कोई व्यक्ति सोचने लगे आपके फील्ड में मैं बहुत बीमार हूं मैं बहुत बीमार हूं अब तो मैं ठीक होंगी नहीं तो क्या होगा वही होगा ना और आप उसे कॉन्फिडेंट कर दें कि नहीं बस तुम हमारे पास आ गए हो अभी तुम्हें ठीक होना ही है बहुत जल्दी बीमारी गई की गई तो देखो उसके विचार से उसकी जग जाएंगी ना उसमें खुशी एक एनर्जी एक होप पैदा हो जाएगी तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं मैंने इसके हजारों प्रयोग तो खुद ही कराए होंगे पर लाखों लोगों ने किए हैं जिसे बहुत सुंदर सुंदर अनुभव हैं मैं थोड़े थोड़े आपके सामने रखूंगा शक्तियां पावर देखिए दो शब्द हैं शक्ति के लिए पावर और माइट ये जो स्पिरिचुअल शक्ति है इसको माइट कहते हैं इसलिए गॉड को ऑल माइटी कभी ऑल पावरफुल भी कह देते हैं पावर तो इस संसार में बहुत सारी चीजों को भी कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी भी एक पावर है एटॉमिक एनर्जी भी एक पावर है ये संसार की चीजें हैं तो हम बहुत शक्तिशाली हैं तब पहली बात शक्तियों का वास मन है यहां आपको शायद बताया जा रहा होगा मैं तो सब कुछ नहीं सुन रहा हूं माइंड इंटेलेक्ट एंड ब्रेन ये तीन शक्तियाँ हैं माइंड एंड इंटेलेक्ट वो आत्मा से रिलेटेड हैं और ब्रेन तो आप जानते ही हैं शरीर की मुख्य शक्ति तो ये शक्ति जिसे माइट कहते हैं ये हमारे मन में वास करती है और इसका 90% परसेंट हिस्सा सबकॉन्सियस माइंड में रहता है परसेंट टेन परसेंट कॉन्सियस माइंड में है केवल कॉन्सियस माइंड ये माइंड जिसे हम सोच रहे हैं सारा समय और सब कॉन्सियस आधा कॉन्शियस अर्ध चेतन माइंड जो सोचता नहीं है उसमें सोचने की शक्ति नहीं है कॉन्शियस माइंड के कमांड को वो स्वीकार करता है एक इंपॉर्टेंट बात मैं समझता हूं आप उससे एग्री जरूर होंगे इस समय मनुष्य के मन की शक्ति बहुत कम है जो अब से पचास साल पहले थी वो अब नहीं है जो सौ साल पहले थी पांच सौ साल पहले थी उससे तो बहुत कम हो गई है आत्मा के ज्ञान में आपने शायद एक बात सुनी हो या पहले लेसन में वो नहीं सुनाई जाती जब हम इस संसार में आए हमारी डिग्री हंड्रेड थी डिग्री ऑफ पावर हम उसको यूज करते आए हैं अब वो टेन डिग्री पर आ गई है किसी की एट किसी की फाइव भी रह गई है इसलिए आप देखते होंगे आजकल साहब के पास कंप्लेंट लेकर आते हैं कि हम बहुत सोचते हैं हम निगेटिव सोचते हैं हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं एक विचार अगर आ गया वो चलता ही रहता है क्योंकि माइंड बहुत वीक हो चुका है इसलिए ब्रेन भी वीक है एक ये इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक दूसरी चीज पर भी ले चलूंगा जो मैं आप सभी महान आत्माओं से कुछ एक्सपेक्ट करूंगा मैं नहीं हमारा सुप्रीम फादर करेगा करता है प्योर एनर्जी इट्स सेल्फ इज हीलिंग एनर्जी एक ऐसा भी समय आ रहा है तेजी से हमारे और आपके देखते देखते जब दवाइयां काम नहीं करेंगी अब भी बहुत डॉक्टर हमें कहते हैं कई बीमारियों में दवाई रेस्पॉन्स दे ही नहीं रही हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर की शक्तियां पूरी तरह नष्ट होती जा रही तो दवाई क्या करेंगी डॉक्टर भी क्या करेंगे मनुष्य ने अपने को इतना निगेटिव इतना वीक बना लिया है कि दवाई जैसे दवाइयों को रिजेक्ट कर रहा है एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा तो वो पूरा असर ही नहीं डाल रही हैं तो मैं कहूंगा हमें और हमारे परम पिता को ऐसे कुछ डॉक्टर्स भी चाहिए प्लीज बी केयरफुल जो वाइब्रेशंस के द्वारा दूसरों को हील कर सके आपके वाइब्रेशंस में वो आ जाए जिस केबिन में आप बैठते हैं उसे आप वाइब्रेशन से इतने चार्ज कर दे कि पेशेंट वहां आते ही आधा तो पहले ही ठीक हो जाए ऐसे डॉक्टर्स की आने वाले समय में अभी बहुत आवश्यकता होगी बोलो करेंगे आप ये महान कार्य करेंगे हाथ उठा कर जरा मुझे बता दें क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है ये छोटी बात हमने आपको नहीं कही मैंने ये गॉडली वर्सन 1975 में सुने थे बहुत बड़ा सीक्रेट है ये मैं आप सबको कह दूं मैं थोड़ी कुछ बातें ओपनली बोलता हूं अपनी सभाओं में अब ये युग बदलने वाला है आप सभी ने सुन लिया होगा मैं तो मेडिकल मैन नहीं हूं फिर भी मुझे लोग सुना देते हैं कि डब्ल्यू एच ओ ने कह दिया है कि 2020 से संसार में डिप्रेशन ही सबसे बड़ी महामारी होगी आपने सुन लिया होगा मैं तो मैं तो एक्चुअली शुरू में ही सुन लिया था क्योंकि हमारे एक साइंटिस्ट जो डीआरडीओ में हैं और इधर ब्रह्मा कुमार हैं वो अमेरिका में गए थे उधर ही कुछ साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस थी तो हैदराबाद में मुझे मिले, मैं भी एक कॉन्फ्रेंस में था उन्होंने मुझे बताया कि आपको पता है ये अभी अभी कह दिया है डब्ल्यू ने पहले कहा था कैंसर बहुत बड़ी महामारी होगी वो हो रही है उससे पहले कहा था हार्ट डिजीज बहुत फैल जाएंगी वो भी हो रही है डायबिटीज सब सब फैल रही हैं लेकिन आप सोचो कल मुझे आप में से एक अच्छे डॉक्टर ने बताया कि सेवेंटी परसेंट लोग डिप्रेशन की ओर बढ़ेंगे 2020 से और सेवेंटी फाइव परसेंट रात को सोएंगे नहीं इन के पेशेंट बन जाएंगे तो ये ऐसी चीजें हैं आप सब बीइंग इन मेडिकल प्रोफेशन जानते हैं इनकी दवाई नहीं होती क्या मैंने ठीक कहा शायद कई आप में से इस बात से एग्री ना हो पर यह सत्य है कि मानसिक रोगों की दवाइयां नहीं होती क्यों क्योंकि रोग मन में हैं आप ब्रेन को ट्रीटमेंट दे रहे हैं थोड़ा एनर्जेटिक कर देते हैं, लगता है मनुष्य को कि वो ठीक हो गया मेरे पास भी बहुत पेशेंट्स आते हैं मैं भी एक तरह से आपकी तरह डॉक्टर बन गया हूँ आजकल बिना पढ़ा लिखा डॉक्टर लेकिन काम बहुत अच्छे अच्छे होने लगे तो क्यों हो रहा है जिस रहस्य की ओर मैं आपको ले चलता हूं जरा उसको सुन लें और फिर चिंतन करना मैं ये नहीं कह रहा हूं जो मैं कह रहा हूं उसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे अभी ये मैं भी जानता हूं कि कोई मनुष्य तुरंत ऐसी बातों को एक्सेप्ट नहीं किया करता यह युग अब बदलने वाला है अब परमात्मा की प्लान चल रही है इस युग को बदलने के लिए मनुष्यों की प्लानिंग अब नहीं चल रही है न चलेंगी अगले पंद्रह सालों में गॉड्स प्लानिंग काम कर रही है और उसकी प्लानिंग है इस युग को बदलने की उसने हम सभी को आकर सत्य ज्ञान दिया है जो हम आपसे बातें कर रहे हैं जो हमारी बहनें कर रही हैं जो सवेरे आपको योग शिविर की बातें सुनाई जा रही हैं वो हमारी रिसर्च बिल्कुल नहीं है वो गोडली वर्सन जो हमें प्राप्त हुए हैं उन पर बेस्ट चीजें आपको दी जा रही हैं तो मैंने सुना था 75 में में 1975 ऐसा समय आएगा जब दवाइयां काम नहीं करेंगी और बहुत सारे पेशेंट आपके सामने आएंगे आप एक बार उन पर दृष्टि डालेंगे उन्हें वाइब्रेशंस देंगे और वो ठीक होकर वापस जाएंगे कोई चमत्कार नहीं होगा ये कोई जादू नहीं होगा ये होगा हमारे पावरफुल वाइब्रेशंस का इफेक्ट मैं जो डॉक्टर्स ब्रह्मा कुमार और कुमारियां बन चुके हैं जिन्होंने ईश्वर ज्ञान लिया है और राजयोग सीखा है उन सभी को तो बहुत ही बात कहता हूं कि आप अब ऐसी तैयारी करो कि आपके प्योर एंड पावरफुल वाइब्रेशंस एक हीलिंग एनर्जी की तरह चारों ओर फैलने लगे और लोगों को राहत मिलने लगे तो ये काम आपको भी करना है हमें भी करना है मेडिकल साइंस के साथ आप स्पिरिचुअल साइंस के भी पूरे ज्ञाता बन जाएं, जैसे आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं वैसे ही अभी स्पिरिचुअल साइंस साइंस है बहुत सुंदर इसमें भी सबको एक्सपर्ट होना है मैं अपनी ओर से आप सभी को तीन सुंदर बातें कहना चाहता हूं सभी भाई बहनों को स्वीट सॉफ्ट एंड लाइट होना है लाइट माना बहुत इजी इससे आप अपने जीवन की यात्रा को अपने कार्यों को बहुत एंजॉय कर सकेंगे आप में से कईयों का काम एडमिनिस्ट्रेशन का भी है आपके पास पेशेंट्स भी बहुत आते हैं कभी आपको रेस्ट भी नहीं मिलता कभी आपको रात को भी जगा दिया जाता है टेंशन होना बड़ा नेचुरल सा है मुझे कई डॉक्टर्स बात कर रहे आज और कल कि किस तरह हम स्ट्रेस फ्री रहें कैसे मुझे ऑपरेशन थिएटर में जाना है तीन बजे जाना है अब ढाई बज गए हैं मैंने खाना भी नहीं खाया है फिर पेशेंट आ गया सर मुझे देखकर ही जाओ बहुत जरूरी है बहुत तकलीफ है अब मुझे भी रिलैक्स होना है जिसका ऑपरेशन करना उससे भी थोड़ी बातचीत करनी उसको भी थोड़ा देखना है टेंशन हो जाती है मैंने उनको भी जो कुछ कहा वो आप सबको भी कहना चाहता हूं ये बहुत सुंदर सीक्रेट आप अपने साथ ले जाएं यदि हमारे मन की स्थिति बहुत सुंदर है तो सारी सिचुएशंस हमारे अनुकूल हो जाएंगी फेवरेबल हो जाएंगी सब कुछ अच्छा होता रहेगा हमारे हर थॉट में एनर्जी है देखिए हमने कुछ भी सोचा उसके वाइब्रेशंस फैले पहले हमारे ब्रेन में गए शरीर में फैले चारों ओर फैले जिस कमरे में हम बैठे हैं उसमें फैले और अगर आप एक योगी हैं तो ये आपके वाइब्रेशंस दूर दूर तक फैलते हैं सारे संसार में फैल जाते हैं आजकल लोगों ने एक मशीन निकाली है जिससे और चेक करते हैं लोग दूसरों का तो मुझे भी ले गए कि चलो तुम्हारा ओरा चेक कराएं मुझे तो पता था मेरा ओरा कितना है ले गए मुझे मैंने उनसे पूछा अधिक से अधिक और किसी का कितना हो सकता है कहा सत्रह फिट मैंने कहा ज़्यादा हो तो तुम्हारी मशीन कहा नहीं पच्चीस फिट तक लेती है पच्चीस फिट तक ले सकती है किसी का ज़्यादा भी हो तो मेरा भी वो चेक करने लगा है तो मेरी पर्सनल बात सेल्फ एप्रिसिएशन की बात नहीं है मैं आपको योगियों की बात सुना रहा हूँ अब वो 25-30 फुट तक चला गया पीछे दीवार थी अब होल था कहा भाई इसमें तो आ ही नहीं रहा तुम्हारा आखिर है कितना मैंने कहा योगियों का ओरा सारे संसार में फैलता है इसलिए सवेरे जब आप मेडिटेशन करने आते हैं आज बहुत सब आ गए थे मैं तो देखकर खुश हो गया इतने सब एनर्जेटिक हमारे डॉक्टर्स लोग बहुत रेस्पॉन्सिबल भी आप हैं बहुत केयरिंग नेचर है आप सबकी ये सवेरे का मेडिटेशन संसार को बहुत मदद करता है हमारे वाइब्रेशंस दूसरों तक जाते हैं तो एक सुंदर थॉट मैं आपको दे रहा हूं आज से अब से ही आप उसे अपने अंदर समा लें और वो थोट है मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा और इसके मेरे किल्स देखें आप लाइफ में रोज देखेंगे मैं रोज देखता हूं हमें भी ज्यादा काम होते हैं कभी 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 क्या रोज ही होते हैं आज भी बहुत ज्यादा है अभी यहाँ के बाद मुझे बन जाना है वहाँ क्लास है रात को वापिस आ जाना है सवेरे आपके पास आना कल बाहर जाना है वहाँ दो प्रोग्राम रख दिए कल रात को ही आ जाना है क्योंकि परसों सवेरे फिर आपके पास आना है मैं अपने को बहुत लाइट रखता हूँ सब कुछ बहुत सुंदर होगा और ये थॉट जो एनर्जी क्रिएट करता है आपको कुछ ही दिनों में महसूस होने लगेगा सब कुछ बहुत सुंदर होने लगा परिस्थितियां आपके कंट्रोल में आने लगी अब परिस्थितियों के वश आप नहीं परिस्थितियां आपके वश रहने लगी और अगर आप योग अभ्यास अच्छा कर लें तो आप ये कर सकेंगे कि सुंदर वाइब्रेशंस क्रिएट करके एक थॉट क्रिएट करेंगे जो मैं चाहूंगी वही होगा थोड़ी बड़ी बात है इसमें आपके कई क्वेश्चन उठ सकते हैं पर यह बिल्कुल सत्य है वी कैन अफेक्ट द सिचुएशंस वी कैन चेंज द सिचुएशंस वी कैन फेस द चैलेंजेस स्माइलिंगली हम सब कुछ कर सकते हैं चलें सवेरे जब हम उठते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा होता है इसलिए उठते ही जो संकल्प हम कर लेंगे हमारा सबकॉन्सियस माइंड उन्हें हमारी कमांड के रूप में स्वीकार कर लेगा दो चीजें हैं सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देना और कुछ प्रोग्रामिंग दे देना एक प्रोग्रामिंग दे दें आप जैसे कंप्यूटर में डाल देते हैं ना हम भी अपने ब्रेन कंप्यूटर में एक प्रोग्राम भर देंगे अपने लिए अपने भविष्य के लिए अपने पेशेंट्स के लिए अपने जॉब के लिए सवेरे उठते ही दस मिनट तक हमारा सब कॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव है क्योंकि कॉन्शियस माइंड साइलेंट है हमारा मन शांत है इसमें भी आप विचार कर लें जब हमारी आंख खुल रही है अभी ठीक से खुली नहीं है तब जो पहला थॉट हमारा होगा ये बहुत पावरफुल्ली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही करने लगेगा इसलिए पहले तीन मिनट में हम सभी वो संकल्प कर लें जो हम चाहते हैं बहुत सुंदर आप इसको अपना रिसर्च पॉइंट बना लें आप अपने जीवन के हर फील्ड में न केवल पेशेंट्स के साथ अपने रिलेशनशिप्स में कहीं आपको सफलता पानी है वहाँ के लिए मैं आपको एक अच्छे डॉक्टर्स का आई सर्जन का अनुभव सुना देता हूँ उससे एक दो केस बिगड़ गया था तो पेशेंट आ नहीं रहे थे बहुत अच्छा बड़ा हॉस्पिटल है मैं उनके पास गया उनके घर में रहा हूँ बहुत सुंदर उनका कार्य है बहुत स्वीट नेचर है लेकिन हो गई मेरे से उन्होंने पूछा क्या करें मैंने उनको ये विधि सिखाई मैंने कहा इक्कीस दिन करो और केवल सात बार करना आपको सवेरे उठते ही मैं मास्टर हूं एंड सक्सेस इज माय टू थॉट्स सेवन डेज मैं मास्टर ऑल माइटी हूं इससे शक्तियां जग जाएंगी और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन इससे वो शक्तियां हमें सक्सेस दिलाने लगेंगी उसको बहुत ज्यादा लगन थी उमंग थी और वो अपनी चीज को जल्दी ठीक करना चाहते थे वो सवेरे दो बजे उठ गए और दो से पांच तक उन्होंने ये धुन लगा दी मैं तो इतना ही कहा था सात बार करना उन्होंने हजार बार कर दिया और जब अपने दवा खाने पहुंचे ऊपर घर है नीचे है तो पेशेंट की भीड़ बैठी थी बहुत सुंदर अनुभव पहले ही दिन हो गया बहुत ऐसे केसेस हैं जो हमारे ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने किए हैं जिन्होंने राजयोग कर लिया ऑपरेशन किया था किसी का केस बहुत क्रिटिकल हो गया था लगता था ऑपरेशन फेल हो गया इस पेशेंट की मृत्यु होगी और ये ठीक नहीं रहेगा इसने भी सवेरे उठकर मैं मास्टर मी हूं ये रियलाइज करके उस पेशेंट को वाइब्रेशंस दिए और संकल्प किया कि पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाए उसकी बहुत अच्छी हीलिंग हो जाए और वैसा ही हो गया बहुत बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस लोगों के हो गए हैं इन सब चीजों के तो सवेरे उठकर आप वो संकल्प कर लें जो आप जीवन में चाहते हैं मैं आपको कुछ संकल्प दे रहा हूं पहला संकल्प आप करेंगे अपने परमपिता को गुड मॉर्निंग करने का ये आप अपनी दिनचर्या में नियम बना दो वो केवल भगवान नहीं है मेरे लिए मेरा परम पिता है मेरा है ही बिलोंग्स टू मी आई बिलोंग टू हिम क्लोज आ जाएंगे बिल्कुल भगवान दूरी हो गई है हम उसके हैं वो हमारा है अपने परमपिता को उठते ही गुड मॉर्निंग करो रात को गुड नाइट करके सो तो सब कुछ गुड गुड होने लगेगा मैं इसको इस लैंग्वेज में कहता हूं उठो तो भी मुस्कुराओ सो तो भी मुस्कराते हुए जीवन मुस्कराने लगेगा भाग्य मुस्कराने लगेगा और जो आपके पास आएगा वो तो डबल मुस्कुराएगा इज इट पॉसिबल या रात को थक गए पेशेंट ने भी उठा दिया था सवेरे उठे थकान हो रही है कुछ कुछ उल्टा सोच रहे हैं ये लोग भी मुझे बहुत तंग करते हैं कैसा लाइफ है पैसा तो मिल गया लेकिन लोग बहुत तंग करते हैं सोने भी नहीं देते हैं ठीक से उठते ही क्या सोच लिया मैंने प्रयोग कराए लोगों से हंसी का भी है पति पत्नी का झगड़ा है सोए हुए हैं पति पत्नी सवेरे उठती है पहले उठते ही सोचा ओ, कैसा पति मिला है भगवान मेरी तकदीर में यही था तुम्हें मिला सारी दुनिया में मेरे लिए ऐसा मिला टकराव बढ़ता गया मैंने चेंज कराया थोड़ा सा कठिन था थोड़ा सा पर मैं उन्हें कन्विंस किया उठो तो संकल्प करना ये बहुत अच्छी आत्मा है मेरा गुड फ्रेंड है थोड़ा सा कठिन काम है लेकिन फिर भी कर लिया और जिन्होंने कर लिया पांच सात दिन में सचमुच गुड फ्रेंड बन गए दोनों लाइफ पूरा बदल गया यात्रा सुंदर हो गई हमारे विचारों के वाइब्रेशंस बहुत गहरा इंपैक्ट डालते हैं विशेष रूप से सवेरे पहले दस मिनट में मैंने पहले तीन कहा आपको क्योंकि तब बहुत पावरफुल होता है एक और बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट है सबकॉन्शियस माइंड का आप किसी को बदलना चाहते हैं कोई व्यक्ति आपका शत्रु बन गया है कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ा हुआ है बहुत रिवेंजफुल हो गया आपकी शांति को नष्ट कर रहा है आपकी जॉब में बहुत बाधा पैदा कर रहा है आपकी जहां तलानी कर रहा है आपसे ईर्षा रख रहा है आपको उसे बदलना है अब आप तब उठ जाए जब वो व्यक्ति सोया हो क्योंकि जब वो व्यक्ति सोया है उसका सब से माइंड जगा है अब थोड़ा सा आपने राजयोग सीख लिया उसे पांच सात मिनट वाइब्रेशंस देना मैं मास्टर ऑल माइटी हूं मुझ आत्मा से किरणें निकलकर उस आत्मा को जा रहे सोल टू सोल अब ये कम्युनिकेशन सोल टू सोल होगा मनुष्य टू मनुष्य नहीं सोल टू सोल आत्मा से वाइब्रेशन जा रहे उस आत्मा को और फिर आप उससे माइंड टू माइंड बात करें उसको कुछ अच्छी बातें करें और पहला जो थॉट आप क्रिएट करेंगे वो उसकी जो अंदर में अच्छाइयां हैं उनको जगाने वाला करेंगे तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो भले आपको लग रहा है वो अच्छा नहीं है पर अच्छा तो है वो आपसे ईर्षा कर रहा है इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा पर अच्छा तो है ना तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो तुम भगवान की संतान हो तुमने भी बहुत अच्छे कार्य किए हैं तुम भी पुण्य लेकर आए हो अब जो आप उसे कहना चाहते हैं ना मुख से और कह नहीं सकते वो माइंड से कह दो हम और तुम तो गुड फ्रेंड हैं चलो हमसे कोई गलती भी हुई हम स्वीकार करते हैं अब हम दोनों बहुत प्यार से रहेंगे ये जीवन इस तरह तो सुखदाई नहीं बनता छोड़ दे अब गुड फ्रेंड बन जाए परिवर्तन हो जाएगा मैंने क्रोध वालों पे कराया बहुत परिवार में एक व्यक्ति बहुत क्रोध करता है सारे परिवार को अशांत रखता है प्रेशर का माहौल रहता है घर में सब दुखी हो रहे हैं मैंने सिखाया एक को जिसने राजयोग सीखा था कि सवेरे उठो जब वो सोया हो लगभग पांच बजे उसको ऐसे दस मिनट वाइब्रेशंस दो पांच मिनट दो और फिर माइंड टू माइंड उससे बात करो यू आर ए गुड सोल तुम तो भगवान की संतान हो बहुत अच्छे हो पीसफुल हो बी पीसफुल ये क्रोध तो अग्नि है ये तो तुम्हें जला रही है परिवार की शांति को जला रही है अब शांत हो जाओ पांच सात दिन में वो व्यक्ति शांत होने लगा और 21 दिन करने के बाद बहुत शांत हो गया ये एक सबकॉन्शियस माइंड का बहुत ही सुंदर प्रयोग है टाइम को देखते हुए मैं आपको और कुछ चीजें कहना चाहूंगा मैंने आपको कहा उठेंगे तो मुस्कुराएंगे कैसे याद करना हे प्रभु हम उसे शिव बाबा कहते हैं आपने मुझे सब कुछ दिया आपको बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे या नहीं दिया ना सब कुछ आपको तो बहुत ज्यादा दिया मान सम्मान भी दिया धन दौलत भी दी भाग्य भी दिया उसे शुक्रिया करो दूसरा संकल्प हमेशा मैं इस संसार में बहुत बहुत भाग्यवान हूं सच्चे मन से आप कर दो मैं सक्सेसफुल हूं मैं बहुत हैप्पी हूं आई एम ए हैप्पी पर्सन मैं तनाव से मुक्त हूं मैं समस्याओं से मुक्त हूं मैं विघ्नों से मुक्त हूं मैं बहुत सुखी हूं सवेरे उठकर आप अपने पेशेंट्स के लिए भी ये संकल्प भेज सकते हो ये पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा उसका जीवन सुखी हो जाएगा ये व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक हो जाएगा पहले पांच मिनट में ऐसे सुंदर संकल्प कर लेना जरूरी नहीं आप चार बजे उठते हो ये प्रक्रिया 6 बजे तक बहुत अच्छी तरह से काम करेगी उसके बाद जब सभी लोग उठ जाते हैं आप जानते हैं कोई कुछ सोचता है कोई नेगेटिव सोचता है तो वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल नहीं रहते लेकिन जितना मनुष्य जल्दी उठता है प्रकृति शांत है एनवायरमेंट्स बहुत पीसफुल हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत जबरदस्त काम करता है आप सब जानते हैं मानसिक रोग बढ़ रहे हैं मेरे पास भी कुछ बहनें ऐसी आती थी जो ये कहती थी कि हम बहुत नहाते हैं आपके पास तो आते ही होंगे ज़्यादा कि जब तक टंकी खाली ना हो जाए हम नहाते ही रहते हैं कोई आए कि हम सारा दिन साबुन से हाथ धोते हैं कपड़ा टच हो गया गंदे हो गए हाथ साबुन से धो बच्चे को भी जरा बच्चे ने हाथ लगा दे मैं गंदी हो गई चलो नहा लूँ हाथ धो तो मेरी भी समझ में नहीं आता था इनको क्या कराएं और बहुत चीज़ें तो समझ में आ गई थी तो एक से मैंने बात की मेरे पास मिलने आई एक बहन मैंने कहा तुम तुमको तो पता है ना टंकी में पानी खाली हो जाएगा बच्चे कहाँ से नहाएंगे तुम्हारा पानी घर में भी तो चाहिए कहा मुझे सब पता है पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ तो मैंने उसकी बात को सुनकर उसको मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता था ये बात तीन साल पहले से ही शुरू हुई है मैंने उसको कहा तुम सवेरे उठकर 108 बार लिखना शुरू करो मैं मास्टर शक्तिवान हूँ और चमत्कार ये हुआ पांच दिन में उसकी वादत छूट गई ओसीडी कहते हैं ना आपके भाषा में <laughs> तो पेशेंट आने लगे साबुन से हाथ धोने वाला एक लड़का भी आया छोटी आयु का उसको मैंने ये कराया उसका भी छूट गया बहुत अच्छा अनुभव रहा डिप्रेशन <laughs> और इंसोमनिया के पेशेंट्स को मैंने एक छोटी छोटी चीज़ें कराई देखिए आपको बहुत काम आएगी और मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसे लोग ठीक हो जाते हैं बहुत अनुभव मेरे पास हैं पर मैं एक अनुभव जो मैं सदा सुनाता हूँ क्लासेज में आज फिर सुना देता हूँ उसके माध्यम से मैं आपको एक दो चीज़ और कहना चाहूँगा ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं और विशेष रूप से मानसिक रोग ये केवल वर्तमान की चीज़ नहीं है कि लोग ज्यादा सोच रहे हैं लोग ज्यादा निगेटिव हो गए हैं टेंशन बहुत बढ़ गई है संसार में या इलेक्ट्रॉनिक्स के साधन नेट मोबाइल ने मनुष्य को ऐसा कर दिया ये तो वर्तमान चीजें हमें दिखाई देती हैं पर इसके कारण मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्म भी होते हैं तो मैं इससे रिलेटेड आपको वो सच्ची घटना सुनाता हूं गुवाहाटी की है मेरे पास ऐसे बहुत केस हैं एक बहन जैन परिवार चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भाई और उसकी मिसेज लेक्चरर। तो मेरे पास आए और मुझे कहा बहन ने पूछा कि मैं पढ़ाने जाती हूं तो क्लास में जाती सब कुछ भूल जाती हूं क्या करूं ये नहीं बताया मुझे डिप्रेशन है तो मैंने भी उससे सीधा प्रश्न किया कि आपको रात को नींद नहीं आती क्या क्योंकि जो सोते नहीं उनकी मेमोरी बहुत वीक हो जाती है कहा हाँ मुझे नींद नहीं आती फिर सारी बात बताई उसके पति ने बताया कि इसको 11 साल से डिप्रेशन है और इतना भयानक है कि ये अपनी क्लास में ही चक्कर खा के गिर जाती है इसके मुंह से झाग आ जाते हैं इसको लोग उठा कर लाते हैं हमारे घर में ऐसा माहौल रहता है जैसा कोई डेड व्यक्ति पड़ा हो यहाँ मैंने पूछा तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं दो लड़की और एक ग्यारह साल का लड़का है तो मुझे अब जैसे स्ट्राइक हुआ कि ये जो 11 साल का लड़का है इसको 11 साल से डिप्रेशन है कहीं ना कहीं ये लड़का इसका कारण होगा मैंने उससे कुछ कुछ पूछा कि ये कुछ बोले वो बोलती रही बोलती रही और लास्ट में उसने बोला कि जब मैं अपने लड़के को देखती हूं तो इच्छा होती है इसका गला दबा इसको मार डालू और फिर मैं जैसे बेहोश हो जाती हूं तो माँ है डायन है एक ही लड़का उसे भी मारना चाहती है कहा मेरा हाल बिगड़ जाता है डिप्रेशन हो जाता है गहरा दो तीन दिन में मैं संभलती हूँ फिर वही विचार आता है इसका गला घोट दू इसे मार डालू अब आप योग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा हम लोग योग करते हैं जब ऐसे केस आते हैं तो मैं भी अपना कनेक्शन ऊपर जोड़ लेता हूं ऑलमाइटी से तुरंत मुझे आ गया मैंने उसे कहा तुम और ये लड़का दोनों पूर्व जन्म में शत्रु थे तुमने लड़ाई हुई दोनों की तुमने उसका गला पकड़ा उसने तुम्हारा पकड़ा उसने तुम्हें मार दिया था तुम असफल हुई थी अब वही तुम्हारा शत्रु तुम्हारे घर में जन्म लेकर तुम्हारा बच्चा बन गया है बच्चा है बदला नहीं ले सकती लेकिन इच्छा होती है जो इनकम्प्लीट डिजायर थी वो जगती है और शत्रु है वही आत्मा इसलिए प्यार भी नहीं दे सकती तो मैंने उससे दो तीन चीजें सिखा दी एक सिखाई कि रात को सोने से पहले तुम्हें 108 बार लिखना है मैं एक महान आत्मा हूं इस बच्चे को जो आत्मा पूर्व जन्म में तुम्हारी शत्रु थी इसे क्षमा कर दो क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा है तुम उसे मार नहीं पाओगे तुम इसे क्षमा कर दो सच्चे मन से और ब्रेन को एनर्जी देना अपने रोज वो मैं आपको बता देता हूं कैसे ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी और आपको भी सुन के आनंद आएगा केवल 11 दिन में उसका डिप्रेशन और ये सब चीजें ठीक हो गई तुरंत दोनों ही फ्लाइट से यहाँ आए मुझे बताने के लिए कि ऐसे ठीक हो गए हैं तो ये पूर्व जन्मों का जो इफेक्ट है ये हर मनुष्य के साथ बुरी तरह से पीछे लगा हुआ सच्ची घटना दूसरी यही हमारे पास जोधपुर है जोधपुर का एक सीनियर डॉक्टर बहुत बीमार हो गया रेफर कर दिया जयपुर ठीक ही नहीं हो रहा मृत्यु की ओर बढ़ रहा था उसके उनके परिवार उसका फ्रेंड एक हाईकोर्ट का वकील है जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो परिवार वालों ने उसको कहा कि भाई आप लोग ज्ञान ध्यान करते हो देखो बच सकता है हमारा व्यक्ति तो उन्होंने भगवान को भोग लगवाया और जो सिस्टर ट्रांस में गई उसने एक सीन देखा कि पिछले जन्म में ये राजकुमार है बगीचे में बैठा है एक ब्राह्मण ने प्रवेश किया है दोनों में बातचीत हुई विवाद हुआ झगड़ा हुआ और इसने तलवार निकाली और उसको मार डाला उसका श्राप इसको कष्ट दे रहा है अगर ये उससे क्षमा मांग ले तो कुछ हो सकता है अब इस डॉक्टर को जो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा समझ लो बिल्कुल मूर्छित जैसा था रियलाइज हुआ इट्स ट्रू और उसने वही हाथ जोड़े लोगों ने देखा ब्राह्मण देवता मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ मैंने क्रोध में आपकी हत्या की थी आप प्रसन्न हो जाओ अपना श्राप वापिस ले लो और ये बहुत ही सुंदर बात थी पंद्रह दिन में डॉक्टर ठीक होकर वापिस अपने घर आ गया जोधपुर की घटना है तो ये जो क्षमा याचना है क्षमा कर देना क्षमा मांग लेना ये बहुत जबरदस्त थेरेपी है मैं इसको आपकी मेडिकल थेरेपी से जोड़ता हूं मान लो एक हजार साल पहले हम राजा थे और हमने कोई गलत ऑर्डर दे दिया और हजारों लोग कष्ट पा गए थे उनकी बैड एनर्जी अब तक भी हमसे जुड़ी हुई है इसलिए आप देख रहे होंगे आजकल यंग लोग डिप्रेशन में ज्यादा यंग लोग क्योंकि वो बैड एनर्जी काम कर रही है अगर हम ये क्षमा याचना की बात सिखा दें और मैं एक महान आत्मा हूं रात को सोने से पहले लिखा दें रात को जब हम सोते हैं पुनः हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और रात को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मैक्सिमम हीलिंग एनर्जी होती है डॉक्टर सभी इसको यूज करेंगे जो भी पेशेंट है उसको सिखा दें आप के सोने से पहले वो पांच सात बार ये संकल्प कर लिया करे मैं हेल्दी हूँ मैं निरोग हूँ मेरी ये बीमारी ठीक हो गई है मैं इस बीमारी से मुक्त हूँ मैंने माइग्रेन के पेशेंट को बहुत कराया बुखार के पेशेंट्स को कराया कैंसर वालों को भी कराया बहुत गुड रिजल्ट हैं तो रात को हमारा सबकॉन्सियस माइंड अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट ये सुप्रीम सर्जन है रात को सब कॉन्शियस माइंड वो बहुत जबरदस्त हीलिंग करेगा सारी रात और बहुत फायदा होगा पेशेंट को मैं वो दो चीजें आपको बता देता हूं जो मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट कराए जापान के वैज्ञानिकों की रिसर्च जब मेरे सामने आई वो ये थी पानी पर वाइब्रेशंस के इफेक्ट आप में से कईयों ने सुनी होगी मुझे वीडियो दिखाई एक उनमें से सुना देता हूं दो गिलास पानी लिए सेम वॉटर एक गिलास पर लिख दिया नफरत दूसरे पर लिख दिया लव दोनों गिलास को एक रूम में एक टेम्परेचर में अंधेरे में रख दिया और सवेरे जब पानी को चेक किया तो जिसपे नफरत लिखा था उसमें काले क्रिस्टल बन गए थे जिसमें लव लिखा था उसमें गोल्डन क्रिस्टल आ गए बस मैंने कहा मैंने जान ली बहुत सारी बातें मैंने बंद कर ली और मुझे क्लिक हुआ कि शब्द लिखने से पानी पर इतना बुरा इफेक्ट या अच्छा इफेक्ट हो सकता है मनुष्य के शरीर में कितना पानी है मोर देन सेवेंटी परसेंट और मनुष्य के मन में कितनी ईर्षा द्वेष नफरत लड़ाई झगड़ा क्रोध निगेटिविटी और क्या क्या है तो इस पानी का क्या हाल होता होगा जो हमारे अंदर है आप तो इसको परफेक्टली जान ही सकते ना मेरे से भी ज्यादा सौरा पानी जो फ्लो हो रहा है बॉडी में वो तो कितना गंदा हो जाता है उससे कई बीमारियां बढ़ रही हैं तो मैंने लोगों को पानी चार्ज करके देना शुरू किया और उसकी विधि थी पानी के गिलास पर नजर डाली और सात बार संकल्प किया मैं मास्टर और माइटी हूं चार्ज हो गया पानी वो पिलाया बुखार फटाफट ठीक होने लगे लोगों के बहुत गुड रिजल्ट मेरे पास आए मैं अभी अभी का अपना यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल है उसकी एक सच्ची घटना सुना दूं एक स्टाफ बहन है उसको बुखार चल रहा था आठ मास से मैं भी डॉक्टर के पास गया था मैं बैठा था मोटी फाइल बन गई थी बड़ा गुस्से में उसने फ़ाइल पटक दी टेबल पे के बताओ और क्या करना है मुझे डॉक्टर ने सब पलट के देखा भाई सब कुछ तो करा लिया है बॉम्बे अहमदाबाद इधर कई हमारे यहाँ अच्छे अच्छे सेंटर्स हैं मेडिकल के मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं ठीक कर दो इनको डॉक्टर खुश हो गए कर दो वे आठ मास से हो ही नहीं रहे मैंने उसको सिखा दिया कि तुम पानी चार्ज करके पियो कम से कम पाँच बार रोज पहले दिन ही बुखार ठीक होने लगा तीन दिन, दिन में सदा के लिए ठीक हो गया बहुत अच्छा रिजल्ट रहा मैं आपको इस पानी का एक सुंदर अनुभव और सुना देना चाहता हूं और एनर्जी देने का जिससे मैं आगे बढ़ाता ये बात तब की है जब मैंने ये प्रयोग शुरू किए थे अब से पंद्रह साल पहले दिल्ली में मैं था और एक ओल्ड मदर मेरे पास आई रात को आठ बजे कहा मेरे लड़की का पति हॉस्पिटल में है उसे छः दिन से नींद नहीं आई है पहले दिन डॉक्टरों ने उसे दवाइयाँ गोलियाँ खिलाई नो इफेक्ट दूसरे दिन इंजेक्शन लगाए नो इफेक्ट तीसरे दिन अनस्थैसिया दे दिया तो भी वो सोया नहीं अब वो तड़फ रहा है परिवार वाले पास बैठे हैं क्या करूँ मैंने उसको मैं भी जल्दी में था कहीं दूसरे सेवा केंद्र पे जा रहा था दो विधि बता दी कि पानी इस तरह चार्ज करो जाके पिला दो और उसके ब्रेन को एनर्जी देना शुरू करो कैसे देते हैं मैं वो बता देता हूँ वो गई पानी चार्ज करके पिलाया ब्रेन को एनर्जी देने लगी पाँच मिनट में सो गया सवेरे तक सोया हुआ है डॉक्टर आए नर्सिस से पूछा क्या दिया तुमने इसको कहा इसकी सांस आई थी कुछ पिला के गई थी तब से सोया हुआ है वो पिलाया कुछ नहीं था ये पानी था चार्ज वाटर अब कैसे हुआ ये तो आप विचार करेंगे मुझे मेडिकल साइंस सारी नहीं पता एनर्जी देना कैसे मैंने ये कार्य बहुत कराया लोगों से माइग्रेन के पेशेंट को सिर दर्द के हाई ब्लड प्रेशर के क्योंकि ब्रेन तो सब कंट्रोल कर रहा है तो ब्रेन अगर एफिशिएंट होगा परफेक्ट हो जाएगा तो बीमारियों को कंट्रोल कर लेगा अब आप कर लें ये और देख लें हमारे हाथों में कितनी पावर है प्लीज हाथ मलेंगे और अंदर में संकल्प करें मैं मास्टर ऑल माइटी हूँ दो तीन बार कर लें मैं मास्टर ऑल माइटी हूँ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ अब अपने हाथ को ऐसे छोड़ दीजिए एंड यू कैन फील पावरफुल वाइब्रेशन इन योर पाम आ गए ये सिर पे रख दिए ऐसे आंखें बंद कर लिए वाइब्रेशंस ब्रेन को जाने लगे ऐसा एक मिनट कर लें और दस मिनट तक कर लें दस बार बहुत बहुत गुड रिजल्ट है घुटने दर्द वालों को मैंने बहुत कराया घुटने दर्द ठीक हुए किडनी फेलियोर को मैंने कराया तीन केस मेरे पास है यंग लोगों के ठीक हो गए आप बहुत खुश होंगे एक बात सुनकर आंखों को एनर्जी देने से तीन ब्लाइंड मदर्स उनकी आंखें खुल गई मेरे लिए भी ये बहुत सुखद समाचार था तीनों अच्छी बुजुर्ग हैं एक तो 75 की एक 70 की एक 60 की एक तो मुझे अपने घर में भी ले गई थी 12 साल वो ब्लाइंड रही थी ठीक हो गई क्योंकि जो नर्व्स हैं आप जानते हैं ये पावरफुल हो जाती हैं मैंने ऐसे प्रयोग भी कराए जो हकलाकर कर बोलते हैं ना आवाज़ क्लियर नहीं रहती तो यहाँ एनर्जी देने को तीन केस बिल्कुल अच्छे हो गए वो युवक थे और वो ज्ञान देना चाहते थे भाषण करना चाहते थे तो यहाँ एनर्जी देने से वो भी ठीक हुए तो ये बहुत सुंदर थेरेपी है आप भी अपने लिए भी करके देखें हमारा सबकॉन्शियस माइंड विजन की भाषा बहुत जल्दी कैच कर लेता है हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को जो विजन दे देंगे उसको वो तुरंत रिसीव कर लेगा मैंने इस ब्लाइंड मदर को एक विजन दी थी वो चाहती थी कि मैं जो अच्छी चीज़ें हैं हमारे यहाँ गोडली वर्सन्स होते हैं जिसे हम ईश्वरीय महावाक्य कहते हैं मैं ये पढ़ना चाहती हूँ वो कहती थी हे भगवान मुझे आधे घंटे के लिए आंखें दे दो मैं ये पढ़ लूँ बस फिर भले ही बंद हो जाए रोज मुझे आधा घंटा दे दो प्रेयर कर रही थी मैंने उसको विजन दी कि तुम ये विजन बनाया करो कि मेरे हाथ में वो सब है और मैं आराम से पढ़ रही हूं इसमें टाइम भी देना होता है विजन के साथ मैंने तो उसको कहा तीन मास में मैं आराम से पढ़ रही हूँ ऐसा विजन देना लेकिन उसकी सत्रह ही दिन में आंखें खुल गई थी सेवेंटी फाइव ईयर्स ओल्ड लेडी है सतना मध्य प्रदेश की सत्रह दिन में आंखें खुल गई जो ये हकलाकर बोलते थे भाषण करना चाहते थे मैंने उनको विजन बताई कि तुम विचार करना मेरे सामने पांच सौ लोग बैठे हैं और मैं फ्लुएंटली भाषण कर रहा हूं कोई रुकावट नहीं है खुल गया तो ये सब कॉन्शियस माइंड की बहुत अच्छी शक्ति है मैं आप सभी को कहूंगा टाइम हो गया है आप यहाँ आए हैं पूरी तरह से चार्ज होकर जाना आने वाले समय में बड़े बड़े काम आपको करने हैं ऐसा आप मान लें ये समय आपका आह्वान कर रहा है केवल दवाइयाँ नहीं आपकी सुभावनाएँ आपके एनर्जेटिक बोल उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करने वाले बोल उन्हें बहुत मदद करेंगे क्योंकि संसार की जो हालत होने जा रही है हमें बहुत पहले से पता है मैं तो 2015 से लोगों को कहना शुरू कर दिया था क्लासेज में भी कि 2020 से 25 का जो पीरियड है बहुत ही खतरनाक होगा मानवता के लिए इसमें ये रोग मानसिक रोग बहुत बढ़ जाएंगे हम ऐसे वाइब्रेशंस दें अब जो यहाँ योग अभ्यास करने वाले बैठे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा अपने रूम में बैठकर ही आप ऐसे वाइब्रेशंस फैलाएंगे रोज सवेरे और शाम को कि ये वाइब्रेशंस अनेक मानसिक रोगियों को राहत दें ये काम होने ही वाला है उन्हें राहत मिलेगी उन्हें लगेगा वो बिल्कुल फ्रेश हो गए एनर्जेटिक हो गए सब कुछ बहुत अच्छा हो गया जैसे दिमाग से काली सी छाया हट गई है फ्रेश हो गया एनर्जेटिक हो गया दिमाग इसलिए टाइम देंगे लास्ट बात आप सभी भाई बहनों को कहूंगा अब मैं आपको एड्रेस करूँगा आप सभी महान आत्माओं को मैं ये लास्ट बात कहूंगा अपने अंदर स्पिरिचुअल पावर भरने के लिए समय जरूर दें अपने को क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में हैं बहुत बिजी लाइफ होती है थोड़ा सा अपने को समय दें जरूर निकालें ताकि स्पिरिचुअल पावर से आप अपने को भर सकें तो आपकी इस प्रैक्टिस में ये पावर बहुत बड़ा काम करेगी आपको कदम कदम पर सफलता मिलेगी और आपके अपने जीवन में यदि कोई बाधाएं हैं वो भी समाप्त हो जाएगी कुछ चीज़ों को हमें स्वीकार करके चलना पड़ता है कुछ एक्सपेक्टेशंस को हमें कम करना पड़ता है जीवन को एंजॉय करने के लिए तो मेरी शुभकामना है शुभ भावना है आप सभी महान योगी महान डॉक्टर बनकर इस संसार को अपने वाइब्रेशन से सुखी कर दें तो सुख तो आपको आप ही आ जाएगा डबल होके आ जाता है जो कुछ हम देते हैं हमारे वाइब्रेशंस प्रकृति में पहुंचते हैं प्रकृति भी झंकृत हो जाती है हमारे वाइब्रेशंस से इसलिए बहुत पॉजिटिव रहते हुए सबको पॉजिटिव करेंगे होपफुल बनाएंगे और ये स्पिरिचुअल पावर अपने अंदर भरेंगे थैंक यू वेरी मच ओम शांति अब हम तीन मिनट योग अभ्यास में बैठेंगे और सभी यही प्रैक्टिस करेंगे मैं मास्टर ऑल माइटी हूँ और मुझसे बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं और जो योग करते हैं वो करेंगे ऊपर से ऑल माइटी से वाइब्रेश मुझे मिल रहे हैं राजयोग का प्रयोग कर ये योग बड़ान है जीवन में इसे प्रयोग कर हर पल ही बने बड़ानू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन यू ट्यूब Subscribe us on youtube.com slash TV Just a click for a peaceful life.